मुस्कान और स्वागत है आपका अडलोट पोर्ट पर। एक बार फिर मैं आ गई हूँ इस हफ्ते के पॉजिटिव न्यूज को लेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चार वाटर वॉरियर्स निमल राघवान, बबीता राजपूत, संजय लामा, लिस्बन फेराओ, जिन्होंने इंडिया में वाटर स्कार्सिटी, ड्रॉट और प्लास्टिक वेस्टेजेस से रिवर को बचाया। इन चार लोगों ने मिलकर प्लानिंग की जिससे हमारे रिवर्स को हार्म ना हो, और ये सब करने के आसपास वाले लोगों को बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। जेंडर इम्बैलेंस को तोड़ने के लिए तेलंगाना की जय भारती ने एक इनिशिएटिव लिया और इस मोवो के नाम से एक वेंचर शुरू किया, जिसमें वुमेन को फ्री ड्राइविंग क्लासेस प्रोवाइड होंगी, और इस इनिशिएटिव के बाद वुमेन को जॉब्स भी मिलने स्टार्ट हो गई। दिल्ली की रहने वाली 18 साल की तारिणी मल्होत्रा ने स्टार्ट करी नई सुबह फाउंडेशन, जिसमें न्यूरोडाइवर्जेंट लोगों के लिए जॉब्स प्रोवाइड होती हैं। तारिणी ने 50 लोगों को सिक्योर जॉब का लाभ दिया है। बेंगलुरु की रहने वाली 8 साल की उम्र की आद्या बेनूर की स्पिरिट की तो कोई हद ही नहीं। इतनी इस उम्र में माउंटेनियर एवरेस्ट बेस ट्रेकिंग को उन्होंने जीता, और यही नहीं अब अपने पिता के साथ माउंट किलिमंजारो पर चढ़ाई की और इस चोटी पर जाने वाली सबसे कम उम्र की जीत हासिल की उन्होंने। डॉक्टर साक्षी गुलाटी और डॉक्टर निकिता माथुर दोनों ही डेंटिस्ट हैं और साथ ही साथ एवर ट्रैवलर्स भी हैं। इन्होंने साथ मिलकर स्टार्ट किया ट्रैवल विद किड्स इन इंडिया, जिसमें यंग मदर्स को इनकरेज कर उनके ड्रीम्स को पूरा किया, उनकी ड्रीम डेस्टिनेशन को दिखाने में, और वो भी उनके बच्चों के साथ। हैदराबाद के रहने वाले राजू भूपति ने शुरू किया एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है ट्रू गुड। ये एक मिलेट स्नैक्स कंपनी है जो माल न्यूट्रिशन को टैकल करती है और हेल्दी फूड प्रोवाइड करती है, और इस साल उनका 100 करोड़ रेवेन्यू हिट हुआ है। जो चोपड़ा और रूपा बिश्नोई ने सालों से डिसेबल बच्चों को उनकी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प की, और ये एक्सप्लेन किया है कि अर्ली चाइल्डहुड में इंक्लूसिविटी इंसान की डेवलपमेंट में कितना हेल्प करती है। तो यही थी इस हफ्ते की कुछ पॉजिटिव न्यूज। इसी के साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। Also, don't forget to press the bell icon.